नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजी हिमाचल, कर्मचारियों का नंबर वन न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं आज के लेटेस्ट अपडेट की। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट के लिए आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। शिक्षकों को पढ़ाने के नए तरीकों का दिया जाएगा प्रशिक्षण। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज विधानसभा में शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों को लेकर बड़ी घोषणाएं की। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के सरकारी स्कूल जल्द ही उच्च स्तर के स्कूल बन जाएंगे, जहां छात्रों को गुणवत्तापूर्व शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षकों से पढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब शिक्षक अन्य कार्यों से मुक्त होंगे तभी छात्रों को अच्छी शिक्षा दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को यूजी वेतनमान भी दिया जाएगा। साड़ी सरकार सिक्ख्या के खेत्र बहुपक्षी सुधार लियाने लिए वचनबद्ध है। साढ़े सरकारी स्कूल छेती ही आला म्यारी स्कूल बनने, क्वालिटी के स्कूल बनने, क्वालिटी की एजुकेशन मिलेगी। पंजाब के स्कूलों के प्रिंसीपल ने अपने स्कूलों लिए सुपने देखे ने, हुण इन्हां नूं हकीकी रूप दे विच तब्दील किया जाऊगा। बच्चों म्यारी सिक्ख्या देने लिए ना सिर्फ सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया जाऊगा, सगों प्राइवेट स्कूलों वालों ली जाती अनाप शनाप फीस नूं भी नियमबद्ध किया जाऊगा, जिस नाल वो चालू अकैडमिक ईयर दे विच फीस आप हुदरे ढंग नाल ना बढ़ा सकन। जिहड़े स्कूल फीस एक्ट 2016 का उलंघन करते फड़े गए उन्हां दी NOC रद्द की जाऊगी, ते नाल उन्हां नूं 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लाया जाऊगा। स्कूलों नूं सख्त निर्देश दिए गए ने स्पीकर साहब कि बच्चों के माता पिता नूं किसी विशेष दुकान तो किताबा जां वर्दियां खरीदने लिए मजबूर ना किया जाए। उस इलाके दीआं 5-7 जिहड़ियां किताबां दीआं दुकानां जां वर्दियां दुकानां ने उन्हां दी लिस्ट जारी की जाए कि मापे जिहड़े ने वो मजबूर ना हो कि ऐसे दुकान तो बच्चे लिए किताबा लैनिया ने जां वर्दियां लैनिया ने, वो जिथों मर्जी लै सकन, जिथों मर्जी उन्होंने चंगा लगता है। सानू सारे नूं पता सर कि अध्यापक बच्चों म्यारी सिक्ख्या प्रदान करन दा केंद्र बिंदु ने, पर वेख्या यह भी वेख्या कि समय समय दीआं सरकारां ने उन्होंने अणगौणिया किया, खाली पोस्टां पंजाब सरकार भरूगी, आम आदमी पार्टी सरकार 5,994 ETT अध्यापकों की 8,393 प्रीमरी अध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया जारी है। अध्यापकों नूं केवल एजुकेशन का काम दिता जाऊगा, बिना एजुकेशन तो कोई होर काम अध्यापक तो नहीं लिया जाऊगा। नहीं तो आप देखते हाँ जनगणना भी अध्यापक तो करवा लेंगे ने, कोई होर कोई चिट्ठी पत्र पहुँचा हो उन्हें ड्यूटी ला देंगे ने। इतों तक कि करोना वेले बॉर्डर से ड्यूटियां लाइया अध्यापकों दी कि तुम चैक करना है कि जिहड़े आउट ऑफ स्टेट जिहड़े वाहन आ रहे हैं उन्होंने कोई करोना पीड़ित तो नहीं। जे अध्यापक का ध्यान सिर्फ पढ़ाने से होगा वो तो पढ़ाऊगा, नहीं तो वह ज़्यादा टाइम जोड़ा वो जोड़ा पढ़ाई तो बिना जोड़े काम ने उन्हें लंघ जाता है। पंजाब की सरकार ये वचनबद्ध है कि टीचरों तो सिर्फ टीचिंग के काम लिया जाऊगा, कोई होर काम नहीं लिया जाऊगा। स्पीकर साहब तुम इस गल सहमत होंगे कि अध्यापकों ट्रेनिंग जी है उन्होंने मुड़ ब्यौतन की लड़ है, क्योंकि दुनिया पल पल तो दुनिया जी है अपग्रेड हो रही है, तो टीचर पढ़ाने के तरीके भी बदल चुके ने। तो ये विश्व के बेहतरीन सिक्ख्या तकनीक हासिल की जाएगियाँ। नवी दिल्ली दे विच US एम्बैसी के खेतरी अंग्रेजी भाषा दफ्तर नाल रल के पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड के अध्यापकों के एक समूह 50 के लगभग ने उन्होंने सिखलाई देन जा रहे हैं जी। ये गल होगी US एम्बैसी नाल कि असी अपग्रेडड जिहड़े तरीके ने, टैक्नोलॉजी ने, टैक्निक्स ने वो अपने आके कोलीग्स नूं भी दसणगे, उहदे नाल बच्चों नूं पढ़ावांगे। आने वाले समय च अध्यापकों देश दे विच ते विदेश दे विच बेहतरीन सिखलाई दीआं ट्रेनिंग लैण वास्ते भेजा जाऊगा जी। उचेरी सिक्ख्या साडे कालजां ते यूनिवर्सिटियां च म्यारी सिक्ख्या मुहैया कराउण दे ध्यान दिता जाऊगा। कालजां ते यूनिवर्सिटियां दे अध्यापकां नूं छेती ही UGC दे पे स्केल दिते जाणगे। इसी के साथ पंजाब के कर्मचारियों को एरियर देने का रास्ता साफ हो गया है। 24 जून से पंजाब का विधानसभा सत्र शुरू हुआ है। इसी बीच 28 जून को
डॉक्टर चरणजीत सिंह विधायक आप विधानसभा में पंजाब के कर्मचारियों व पेंशनर्स के एरियर को लेकर प्रश्न पूछने वाले हैं। ये प्रश्न पंजाब के वित्त मंत्री से पूछा जाएगा कि आखिर पंजाब सरकार पंजाब के कर्मचारियों व पेंशनर्स को एरियर कब तक देने वाली है, और इसके जवाब में वित्त मंत्री ऐलान कर सकते हैं कि कब पंजाब के कर्मचारियों व पेंशनर्स को एरियर दिया जाएगा। हालांकि कर्मचारियों व पेंशनर्स को पिछली कांग्रेस सरकार ने नया वेतनमान दे दिया था, लेकिन एरियर कर्मचारियों व पेंशनर्स को नहीं मिल पाया था।